नमस्ते सत्श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की जो मेरी रिएक्शन वीडियो है वो मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है जन्नत में हूर म्यूजिक और अल्लाह का दीदार। तो आई थिंक इसमें अल्लाह का दीदार वाली तो हम लोगों ने पहले एक वीडियो देखी थी कि जब जन्नत में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को अल्लाह का भी दीदार होगा, याद है आप लोगों को ना, जिसमें मेंशन किया था कि जब अल्लाह आपसे पूछेंगे कि बताओ आपको और क्या चाहिए, तो इंसान यही बोलेगा कि मतलब जन्नत में मैं आ गया कि मतलब इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है कि मैं जन्नत में हूँ इस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो खुदा हैं वो अपने फेस से वो पर्दा हटाएंगे, जो नूर का पर्दा उन्होंने लगा रखा है उसे हटाएंगे और अपने सामने दीदार देंगे। और इसके अलावा हूरों के बारे में भी हम लोगों ने सुना हुआ है कि जन्नत में हूरें मिलेंगी, बट इससे पहले आज तक की किसी वीडियो में मैंने म्यूज़िक के बारे में नहीं सुना कि जन्नत में हम लोगों को म्यूज़िक भी सुनने में मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में हूर म्यूजिक और अल्लाह का दीदार तीनों चीजें एक साथ बताई गई हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जन्नत में हम लोगों को किस टाइप का म्यूजिक सुनने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ کیا عجب وہ نظارہ ہے کہ جب سارے جنتی پل صراط پار کر جائیں گے اور آگے اتر جائیں گے تو سامنے گیٹ ہوں گے جنت کے، لیکن سب بند ہوں گے، جہنم کے دروازے ایک دم کھلیں گے، لوگ گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہو۔ پل صراط سے اتریں گے، دروازے بند، دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے بڑے، اپنے آپ ایک سے سارے جنتی وضو کریں گے، ایک سے پانی پئیں گے، یہ وضو ان کا میک اپ ہے۔ اب کبھی ان کے چہروں پر کسی قسم کی کوئی جھری نہیں پڑے، کوئی شکن نہیں پڑے، کوئی رنگ نہیں پھیکا ہوگا، ہمیشہ کا حسن۔ داڑھی غائب ہو جائے گی، یہاں ہے وہاں کوئی نہیں، بغیر ہوں گے اجرد، پورے جسم پہ کوئی بال نہیں، سر کے بال، بھووں کے بال، یہ آنکھوں کے بال، امرت، داڑھی کوئی نہیں، یہاں نہیں رکھی تو اتنا رکھنی پہ جاوے میں نہیں پتا۔ تو امرت داڑھی کے بغیر، اجعد گھنگریالے بال، مکحل آنکھوں میں سرما، بیغن سرخ و سفید، جردن مردن مکحلین جعاد، کیا حسن ہوگا۔ قد کیا ہوگا؟ 130 فٹ، 130 فٹ قد ہوگا۔ اللہ نے ابا اور اماں آدم اور حوا کو 130 فٹ بنایا تھا، یہ ٹائم نے گھسا گھسا کے نا ہمیں چھوٹا کر دیا، چھوٹا کر دیا، چھوٹا کر دیا، اور اگلے زمانوں میں اور چھوٹے ہو جائیں گے۔ اماں اور ابا 130 فٹ ہائٹ، تو ہم گھستے 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 یہ آ کے رہ گئے 5.5 فٹ 6 فٹ۔ اللہ وہ ہائٹ واپس کرے، وہ گئے۔ جنت کی لڑکیوں کی ہائٹ بھی 130 فٹ۔ او ہو 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 ہو، 130 فٹ ذرا تصور کرو، پھر سر کے بال ان کی سر کی چوٹی سے آتے ہیں پانی کی آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑی کو آ کے چومتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے بال ہوں گے، اور جب وہ یوں سر کو لہرائے، یوں ہلائے گی، یوں گھمائے گی، تو ان کے بال ایسے گھومیں گے کہ پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگ جائیں گی۔ جیسے یہ نہیں لائٹیں لگا کے وہ ایک نظارہ بناتے ہیں، اور مختلف لائٹیں ادھر جاتی ہیں، ادھر جاتی ہیں، ادھر آتی ہیں، ادھر آتی ہیں۔ وہاں وہ نیاگرا میں انہوں نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں رات کو دیکھنے کے لیے، تو عجب اس کا نظارہ بن جاتا ہے۔ تو جنت کی لڑکی صرف یوں کرے گی، تو اس کے سر کے بال جب ایسے گھومیں گے، ایسے لہرائیں گے، تو میرے رب کی عزت کی قسم ساری جنت میں ایسے لائٹیں پھیلیں گی کہ وہ کہے گا تو سر ہلاندی رہو میرے کو، ہائے ہائے۔ اور اس میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے، موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو لباس پہنے گی، لباس، وہ لڑکی جنت کی لڑکی لباس پہنے گی،
उसका रेडियस 3 माइल होगा, 3 मील में उसका लिबास घूम रहा होगा, और उठाने में इतना आसान, पहनने में इतना आसान कि ये जोड़ा पहनने का वजन है उसका कोई वजन नहीं होगा। और वो एक जोड़ा नहीं पहनती, 100 जोड़े पहनती है, हर जोड़े का रंग अलग अलग नजर आता है। मैंने कुर्ता पहना, आपको मेरी बनियान नजर नहीं आ रही, वेस्ट कोट के नीचे वाला कुर्ता नजर नहीं आ रहा, वो 100 जोड़े पहनेगी, हर जोड़े के पीछे आपको उसका हर जोड़ा नजर आएगा, और आखिर में उसका जिस्म चांदी की तरह चमकता नजर आएगा। उसको हुस्न अल्लाह ने क्यों दिया है, कहाँ से दिया है? इमाम मालिक ने, मालिक बिन दीनार ने एक नौजवान से कहा, अतश्ताकुल हूर अल-ऐन, तुझे जन्नत की हूर का शौक है? कहने लगा नहीं, अल्लाह का बंदा, इश्तक इलैहिन फइन्ना नूर वजहिन्ना मिन नूरिल्लाह तआला, अरे उनका शौक किया कर कि उनके चेहरे का नूर अल्लाह के नूर में से है। अल्लाह ने अपने नूर से मेकअप किया, अपने नूर से मेकअप किया है, चूँकि अल्लाह की ज़ात हमेशा अब्दुल आबाद है, लिहाजा जब अल्लाह का नूर पड़ा जन्नत की लड़की पर तो हमेशा उसका हुसन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं, हर लम्हे ज़्यादा होगा, ज़्यादा। लिहाजा देखने की लज्जत भी लेना चाहो, और 1000 साल सिर्फ अपनी बेगम को देखते रहो, जन्नत की लड़की को देखते रहो, तो रब जुल जलाल की कसम आपके देखने का शौक पूरा नहीं होगा, और तुम्हारे चेहरे पर भी अल्लाह अपने नूर की तजल्ली डालेगा। लिहाजा तुम भी ऐसे होगे कि तुम्हारी हूर या बेगम तुम्हें 10,000 साल देखती रहे तो उसको देखने, उसके देखने का मज़ा ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। ये 100 जोड़े नूर के होंगे, इसलिए उसका वज़न कोई नहीं, ये कॉटन है या फाइबर है, इसका वज़न है। जन्नत के 100 जोड़ों का धागा अल्लाह नूर से बनाएगा, नूर का वज़न नहीं होता, 100 पहने 1000 पहने, फिर 100 जोड़े पहनना भी औखा काम, उतारना भी औखा काम, फिर जन्नत में कोई ड्राई क्लीन मशीन और वो दुकान भी कोई नहीं, और वॉशिंग मशीन भी कोई नहीं, तो ये 100 जोड़े उतार के कहाँ रखे? पूरी जन्नत में एक टैची केस कोई नहीं, पूरी जन्नत में एक शॉपिंग बैग कोई नहीं, एक बैग कोई नहीं, पूरी जन्नत में एक अलमारी कोई नहीं, अजीब, एक नाली कोई नहीं, एक सीवरेज का सिस्टम कोई नहीं, पूरी जन्नत में कोई टॉयलेट कोई नहीं, हाय हाय, खाएंगे पाखाना नहीं, पिएंगे पेशाब नहीं, खाओ अल्लाह का ऐलान होगा, अब कभी पाखाना नहीं, पियो कभी पेशाब नहीं, ये 100 जोड़े कहाँ उतारे? हा, क्या अजब है। जन्नत में एक दरख्त है, उसका नाम है तूबा, तूबा, मेरे नबी ने फरमाया तूबा का ये तना है, यहाँ तुम खड़े हो जाओ, ऊँट पे सवार हो जाओ, ऊँट की उम्र 5 साल, अब इसको दौड़ाना शुरू करो, दौड़ाना शुरू करो, दौड़ाना शुरू करो, ये ऊँट दौड़ते 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 बूढ़ा हो के गिर के मर जाएगा, उसकी गोलाई को नाप नहीं सके, इतना बड़ा तना। ये दरख्त आपको फल भी खिलाएगा, आपको कपड़े भी देगा, आपको डिज़ाइन भी देगा, आपको रंग भी देगा, आपको रूप भी देगा, सिर्फ आपने ख्याल करना है कि कपड़े बदलने हैं, कपड़े बदलने हैं। 100 जोड़े उतारने के लिए कितने मसल्स चाहिए? तो जब आप कहेंगे कपड़े बदलने हैं और ये ऐसे होने चाहिए, तो उसके फूल यूं होंगे, ये कैमरे का फ्लैश होता है, रोशनी से फोटो आता है, तो ऐसे एक रोशनी आएगी ठक, और उसके बाद आप देखेंगे तो आपके अगले 100 जोड़े गायब और अपने नए 100 जोड़े पहने हुए हैं। लिहाजा जन्नत एक कोई नहीं, कोई अलमारी कोई नहीं, पूरी जन्नत में स्त्री कोई नहीं। फला तअलम नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून, मेरे बंदो तुम्हें क्या खबर, मैंने तुम्हारी आंखों की ठंडक का क्या सामान तैयार करके रखा हुआ है। तुम यहाँ की मौसीकी पे मरते फिरते हो, मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, किधर हैं जो बोल्टन में म्यूजिक नहीं सुनते थे, आज उन्हें जन्नत का म्यूजिक सुनाया जाएगा। वो कहाँ हैं जो दुनिया में म्यूजिक नहीं सुनते थे, आओ। अल्लाह जन्नत की हूरों से कहेगा सुनाओ उनका म्यूजिक, एक गाना 70 साल चलेगा तब जाके एंड होगा, और गुम बैठे रहोगे। अल्लाह कहेगा क्यों? कहेंगे बड़ा मजा है। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनो, कहा जी क्या? अल्लाह कहेंगे दाऊद आओ, दाऊद अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, दाऊद सुना जन्नत का साज, दाऊद की आवाज़, खुद जन्नत मस्त हो जाएगी। अल्लाह फरमाएंगे क्यों?
कहेंगे मजा आ गया, कैसे अच्छा सुनो, कहो वो क्या। अल्लाह कहेंगे या हबीबी या मोहम्मद, ए मेरे हबीब ए मेरे मोहम्मद आ जाइए। अब मेरे महबूब की आवाज़ होगी, जन्नत का साज होगा, जन्नत वालों को अपना आप ही भूल जाएगा कौन है और कहाँ बैठे हैं, खुद जन्नत मस्त हो जाएगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे वाह 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 वाह। अल्लाह फरमाएंगे इससे अच्छा सुनो, कहेंगे वो क्या वो क्या। अल्लाह कहेंगे वो तुम्हारा रब है जो अब तुम्हें सुनाएगा। रिज़वान रिज़वान ये जन्नत का जीएम जनरल मैनेजर है। रिज़वान जी अरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवार, रिज़वान पर्दे हटा दे मेरे बंदे आंखों से दीदार करें कानों से कलाम से, पर्दे हटाओ। रब जुल जलाल की कसम जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह को देखना है। और उलमा ने अजब बात लिखी है, जहन्नम वालों का सबसे बड़ा अजाब जलना नहीं, सबसे बड़ा अजाब है कि अल्लाह की ज्यारत से महरूम। और जन्नत वालों की सबसे बड़ी नेमत हूर नहीं, हमेशा की जिंदगी नहीं, रोटी कपड़ा नहीं, खादिम नहीं, सेहत जवानी नहीं, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह का दीदार है, अल्लाह का दीदार है। वजूह यौम इज़ नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, आज देखना अपने रब का हुस्न जमाल। यूसुफ का बनाने वाला कैसा हसीन होगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाने वाला कैसा हसीन होगा। ओए होए होए मौत होती तो मर जाते, मौत मर गई नजर देखें, फिर मेरा अल्लाह अपना कलाम शुरू। अब अल्लाह को सांस की जरूरत नहीं है, हूरों को दाऊद मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम को जरूरत है सांस की, मेरे अल्लाह को जरूरत नहीं, लिहाजा जन्नत खामोश हो जाएगी, थम जाएगी हर शय और अल्लाह अपना कुरान सुनाएगा। पहले आप सुन रहे थे कानों से, एक छोटा सा सिस्टम है कानों में जिससे आवाज जाती है, अच्छी आवाज हो तो आदमी झूमने लगता है, एक छोटा सा सिस्टम पूरे जिस्म को मस्त कर देता है। जब अल्लाह कुरान सुनाएगा तो अब क्या होगा, अब ये काफी नहीं है, अल्लाह जिस्म के जितने सेल हैं हर सेल में कान फिट कर देगा और हर सेल से आपकी रूह में आवाज जाएगी, हर सेल से आपकी रूह में आवाज जाएगी। तो बताओ उस लज्जत को मैं तारिक जमील कहां से बयान करूं। तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब के जितने भी बयान हैं अगेन सेम माई सिग्नेचर लाइन की बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और मतलब उनके बयान ना इतने कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं कि ऐसा लगता है कि वो खुद एक बार जन्नत जाके आ चुके हैं। मतलब इतना डिटेल में बताते हैं ना, ऐसे लगता है कि मतलब उन्हें सब कुछ पता है जन्नत के बारे में, और जितनी खूबसूरती के साथ में वो उस बयान को देते हैं ना, इतना इंजॉय करके, और जैसे बोलते हैं ना पूरा मगन हो गया कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसे लगता है कि मतलब शायद उन्होंने जैसे सच में ये ना एक्सपीरियंस कर चुके हैं जन्नत का नज़ारा। तो जितनी खुशी के साथ और जितने मगन होकर मौलाना तारिक जमील साहब ये बयान देते हैं और जन्नत की खूबसूरती को वो इजहार करते हैं कि उसमें इतनी खूबसूरती है, ये होगा वो होगा, ऑब्वियसली उन्होंने भी ये सारी चीज़ें कुरान से ही पढ़ के उन्हें ये सारी नॉलेज गेन हुई होगी, बट उनका जो तरीका है ना उस चीज़ को लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। मतलब वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप जब एक्सप्रेस करते हो वो इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कन्विंस्ड हो जाए आपसे पूरा कि हाँ मतलब ये सच बता रहे हैं जो भी बता रहे हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सच में इतने कन्विंसिंग होते हैं कि उनको सुनने के बाद में लगता है कि एक बार हम भी जाके आएँ जन्नत में और देख के आएँ कि वहाँ पर इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, इतनी सारी खूबसूरती होगी वहाँ पर, और वैसे सारी फैसिलिटीज़ तो होनी होनी है वहाँ पर। इस वीडियो में एक छोटी सी बात है जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी थी, जो मौलाना तारिक जमील साहब ने जब बोला था कि जो जन्नत की हूर होगी उसने 100 कपड़े पहने होंगे बट उसके बाद भी उनका जिस्म जो होगा वो चांदी की तरह उसमें से चमकता हुआ दिखाई देगा, तो मीन्स वो जो ड्रेस होगी उनकी बहुत रिवीलिंग होगी जिसमें से उनकी पूरी बॉडी भी दिखेगी, तो वो किस तरह की ड्रेस होगी
मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुन के वो वाला चीज। तो ये थोड़ी सी एक चीज है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी थी, अदरवाइज तो जन्नत की खूबसूरती के बारे में मैं जितनी बार भी सुनती हूँ मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, बाय बाय।